नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में निकली विभिन्न भर्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये विज्ञापन है नवोदय विद्यालय का, जो कि इसमें भर्ती निकाली गई है। काफ़ी बहुत सी वैकेंसीज है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूनतम योग्यता इसमें 10वीं 12वीं और स्नातक पास है, तो ऐसे में आप जिसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी, मल्टी टास्किंग स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, लैब अटेंडेंट, मैथ सेफ्टी की भर्ती की जा रही है और ये नवोदय विद्यालय की भर्ती है। तो आप इसके बारे में, हम पोस्ट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी रोजगार समाचार हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है। कैटरिंग असिस्टेंट के यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 पोस्ट है। UR की, UWS की यहाँ पे 8 पोस्ट है। OBC की 23 पोस्ट है। तो OBC की यहाँ पे सीटें ज़्यादा है। टोटल यहाँ पे 87 वैकेंसीज है कैटरिंग असिस्टेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की वैकेंसीज में ग्रुप सी के, तो यहाँ पे जनरल की 113 पोस्ट है और यहाँ पे OBC की 73 है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 273 पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर की। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर काम आता है आपको, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों लैब अटेंडेंट की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 142 है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर है मैथ हेल्पर की, अगर आप मैथ हेल्पर काम करना चाहते हैं तो इसमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ की 23 पोस्ट है। तो पे स्किल की बात करें यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आप वेतन देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एग्ज़ाम सेंटर्स है जहाँ पे इसकी आप एग्ज़ाम देंगे। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप मध्य प्रदेश में, आप भोपाल में इसकी एग्ज़ाम देंगे जब इसका CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम होगा उसके बाद दोस्तों अगर उसमें निकाल लेते हैं तो आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद ही आपके इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको मेहनत अच्छी करनी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले वही रीजनिंग लैंग्वेज में और जनरल अवेयरनेस, जैसे इसमें जो फर्स्ट रहेगा आपको फ्री, उसमें ये सब सवाल आएंगे आपके, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ही इसकी परीक्षा देनी होगी। तो फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही। तो ये पूरा इसका विज्ञापन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है नोटिफिकेशन में। और इसको दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है navodaya.gov.in की वेबसाइट से। और दोस्तों अगर आप इसमें फ़ीस पेड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर फीस जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये लगने वाले हैं और मल्टी टास्किंग स्टाफ की यहाँ पे दोस्तों 750 रुपये फीस है। तो अगर आपके पास सक्षम है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर योग्य है तो ज़रूर अप्लाई करें, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं करना चाहते नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस काफ़ी दोस्तों ज़्यादा है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसमें 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन जो इसके बंद होंगे 10 फरवरी को। और दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम है CBT एग्ज़ाम, इसकी 9 मार्च से होंगी स्टार्ट और 11 मार्च तक चलेंगी। तो ये टेंटेटिव है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। अब मैं आपको दोस्तों इसका फॉर्म भी दिखाता हूँ कि कैसे क्या अप्लाई करना है, लिंक एक्टिव हुई कि नहीं। तो इसका फॉर्म मैं दिखाता हूँ आपको नवोदय की वेबसाइट से। दोस्तों ये नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। इस तरह का सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, इसको आपको आई ग्रेड पर चेक मार्क करना है और क्लिक करके इसमें अप्लाई पर करना है। तो यहाँ पर आपको फोटो साइन और अन्य डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म है अभी अंडर मेंटेनेंस में और ये अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए रोजगार समाचार के साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।